नमस्कार, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का जो सेंटर पोल्ट्री एरिया है, यहां एक पोल्ट्री की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में एक महिला की मौत बताई जा रही है, जबकि अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो अंदर मलबे में फंसे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोल्ट्री है खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के सेंटर पोल्ट्री एरिया में और यहाँ महाशक्ति के नाम से ये पोल्ट्री है। जैसी जानकारी मिल रही है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौके पर है, रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा कई एम्बुलेंस यहाँ है और करीब जो अब तक जानकारी मिल पाई है 2 से 3 लोगों को मलबे से निकाल कर अस्पताल के लिए भेज दिया गया है, जबकि एक महिला जिसका नाम शकुंतला बताया जा रहा है उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एनडीआरएफ की टीम है, डॉग स्क्वाड यहाँ है, मौजूद है और जिस तरह से अंदर रेस्क्यू किया जा रहा है तो इनकी कहीं ना कहीं मदद ली जा रही है। इसके अलावा डीआईजी संतोष कुमार सिंह और बुलंदशहर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह भी यहाँ मौके का मुआयना कर गए हैं। इसके अलावा एसपी देहात मौके पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीम और ये देखिए यहाँ उपकरण लेके आए गए हैं, ये जो यहाँ से राहत कार्य किया जा रहा है। हालांकि ये जो घटना है ये करीब सुबह 9 बजे की बताई गई है जब ये हादसा हुआ था, उसके बाद से ही यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल इस हादसे का जो कारण बताया गया वो ये था कि छत पर काफ़ी भारी मात्रा में जो यहाँ बनाया जाता है इंसुलेटर का कार्य किया जा रहा था और जो इंसुलेटर बनते हैं जिन्हें कटआउट भी बोला जाता है वो छत पर रखे थे। छत पुरानी थी, गाटर और पटिया डले हुए थे उस पर छत पर और नीचे लेबर काम कर रही थी, उसी दौरान अचानक छत भरभरा कर नीचे आ गिरी जिसके मलबे में करीब आधा दर्जन मजदूरों के दबे होने की सूचना फिलहाल हमें प्राप्त हुई है। हालांकि अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो राहत कार्य है वो जारी है, एक महिला की मौत हो गई है, महिला मजदूर थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौके पर है और रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि अभी करीब 4 घंटे बीत चुके हैं इस हादसे को और अभी तक रेस्क्यू किया नहीं गया है। हालांकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्रेन, जेसीबी, एनडीआरएफ की टीम, एम्बुलेंस, भारी पुलिस बल सभी यहां मौजूद हैं। इसके अलावा नगर पालिका की टीम भी यहां बुलाई गई है क्योंकि जिस विभाग की जिस तरह से मदद ली जा सकती है, जो संभव मदद ली जा सकती है वो मदद लेकर रेस्क्यू कराया जा रहा है। हालांकि अभी भी 4-4.5 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू अधूरा है और टीम जो है वो लगातार प्रयास में जुटी है। हम आगे चलते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और कोशिश करेंगे किसी अधिकारी से इस विषय में बात कर सके, उनसे पुख्ता जानकारी ले सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कि इस हादसे में क्या हताहत हुई है, कितने लोग घायल हैं। महिलाएं काम कर रही थी क्योंकि बाहर की लेबर है तो उनके साथ बच्चे भी होते हैं, तो जैसे हमने मजदूरों से बात की है उन्होंने ये आशंका जताई है कि जो महिला मजदूर अंदर काम कर रही थी तो उनके साथ यहाँ बच्चे भी थे जो काम कर रहे थे। कोशिश करेंगे किसी अधिकारी से बात करने की, फिलहाल जो अधिकारी हैं टीम के साथ वो अंदर हैं और यहाँ इन्होंने मार्क कर दिया गया है, इसके आगे किसी को प्रवेश नहीं है। फिलहाल जो राहत कार्य टीम है वो अंदर जाकर ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द राहत कार्य कराया जा सके और यहाँ से निकाला जा सके। तो जो मजदूर अंदर काम कर रही थी, महिला मजदूर, उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से हादसा हुआ था और कब की ये घटना है। क्या नाम है भैया आपका? संजय। संजय, संजय क्या आप बता सकते हैं ये हादसा कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्या इसमें हताहत हुई? सर हमको एक्चुअली तो पता नहीं है वगैरह, फोन आया तो बोल रहे कि हमारे माए भी कैलाश हॉस्पिटल में गए हूँ। अच्छा, आपकी माँ थी इसमें? जो मामानी मामी, अच्छा मामी थी, तो कैसी कंडीशन बताई गई है उनकी अब तक? एक्चुअली तो बोल रहे, कोई कह रहे कि डेट हो गया, कोई कह रहे ले गया। क्या नाम है उनका? नाम तो एक्चुअली हम मामी का नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, तो और भी कोई लोग हैं यहाँ जिनके परिजन अंदर थे? बता रहे हैं इनकी पत्नी अंदर काम कर रही थी। सर क्या नाम है आपका? सोना। सोना, सोना जी, मुझे बताइए ये कहाँ हादसा हुआ है और किस तरह से और कब हादसा हुआ था? हादसा सुबह 9 बजे हुआ। अच्छा, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी क्या, इसमें दबे हुए हैं अभी। कितने लोगों के दबे होने की संभावना है, किस तरह से हादसा हुआ मुझे बताएंगे, कैसे गिरा है लेंटर ये पता चला जो छत गिरी है? हम तो यहाँ आए नहीं थे। अच्छा, आपके कौन थे अंदर? मेरी घरवाली काम करती है। वो अंदर ही है अभी? अभी अंदर ही है, निकली नहीं है अभी। अच्छा, अभी निकली नहीं है। और भी कोई आपकी जानकारी में हो?
नहीं हुआ था और जानकारी में नहीं। ये पता चल सका कैसे गिरा था, ये छत कैसे गिरी थी? ओवरलोड है छत पे, इतना माल है कि छत झेल ही नहीं पाई। टनों के हिसाब से माल है। क्या था उन कट्टों में, क्या रखा था? लोहा भरा हुआ, लोहे का मिट्टी है, लोहा मिट्टी तो दिख रहा है सामने पड़ा हुआ। ये परिजन है, इनका कहना है कि जो छत है पॉटरी की उस पर भारी मात्रा में जो सामान था, जैसे मिट्टी है या लोहे का कुछ सामान था, धातु रखी थी कट्टों में जो यहाँ से सप्लाई की जाती है। ये मैन्युफैक्चर पॉटरी है, इंसुलेटर यहाँ बनाया जाता है। तो ये हादसा उस वक्त हुआ जब छत भरभरा कर गिर गई, क्योंकि उस पर बहुत वजन बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके जो काम कर रहे थे, या महिला हो या फिर जेंट्स हो, वो उनके यहाँ दबे हुए थे। तुम्हारी बहू सुनीता काम करती है वो यहाँ पर, कहाँ की रहने वाली है वो? दबी गई बेटा। कहाँ की रहने वाली है? अहिरपाड़े की। खुर्जा की रहने वाली है? हाँ, अहिरपाड़े की। अच्छा, कब हुआ था ये हादसा, कुछ पता है? ये 9 बजे बता रहे लेबर तो। हाँ। हम तो बेटा फोन गए जब घर पे भागे। आपको क्या सूचना मिली है, आपको क्या सूचना मिली है अम्मा, आपको क्या जानकारी मिली है? जानकारी ये मिली हमारी सुनीता निकली ना आई। अच्छा, निकली नहीं है? नहीं निकली बेटा। कौन है आपके? मेरे द्वारा नहीं है वो। अच्छा सुनीता। हाँ। तो यहाँ टीम लगी हुई है ना? तो खाली कर रहे हैं, 9 बजे से 1:30 बज गया। अभी कुछ कार व्यार हो रही है, कुछ नहीं हो रही। कहीं ना कहीं जो लेबर है वो आक्रोशित है। उनका कहना यह है कि करीब 4.5 घंटे बीत गए इस हादसे को, लेकिन अभी तक किसी भी टीम की तरफ से रेस्क्यू नहीं किया गया है, जिससे इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब तक इन्होंने सबर किया, क्योंकि इन्हें दिख रहा था कि यहाँ जो टीम है वो राहत कार्य कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार, और हम अंदर चल के कोशिश करेंगे किसी अधिकारी से बात कर सकें इस विषय में, किसी अधिकारी से जानकारी ले सकें। और उनका कहना साफ तौर पर यही है कि बहुत समय बीत गया, करीब 4.5 घंटे बीत चुके हैं इस हादसे को, और अभी तक जो अंदर मजदूर थी, जो महिला मजदूर है, वो दबी हुई थी और उनको अभी तक बाहर निकाला नहीं गया है। तस्वीरें और कोशिश करेंगे अंदर तक आपको दिखा दें हम। बहुत बड़ा हादसा ये दिन निकलते ही हुआ है, जब लेबर ने अपना काम शुरू किया था। लेबर जो बाहर है उनकी अगर मान लें तो ये 9 बजे का करीब हादसा है। ज़्यादा जानकारी के लिए उपजिलाधिकारी खुर्जा लवी त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब तक कितनी राहत कार्य हुआ है, कितनों को बचाया जा सका है और हादसा कैसे हुआ था। मैडम, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे आज सुबह एक संज्ञान में आया था कि यहाँ पे एक छत गिर गई है, तो तुरंत उसी समय यहाँ पे पुलिस प्रशासन दोनों यहाँ पे उपस्थित हुआ। पुलिस के द्वारा और यहाँ आम जनता की मदद से 2 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से एक महिला है, उनको अस्पताल जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई है, और दूसरी महिला जो है उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जटिया अस्पताल से खुर्जा से जिला अस्पताल बुलंदशहर रेफर कर दिया गया। अभी भी यहाँ पे एक महिला के दबे होने की आशंका है। अच्छा, कुल 3 लोगों की सूचना मिली है दबे होने? अभी तक इतनी ही सूचना मिली है। जैसे लेबर से हमने बात की थी, उनका कहना है कि शायद बच्चे भी हो सकते हैं महिलाओं के साथ, तो ऐसा भी कुछ? अभी तक 3 लोगों की ही सूचना मिली है। अभी तक आशंका यही है कि बस एक ही महिला दबी हुई है। जो इस हादसे में हताहत हुई है मैम, उनको राहत राशि किस तरह की मदद की जाएगी, आर्थिक तौर पर किस तरह से? अभी इनका पहले जाँच करा लिया जाएगा, अगर ये किसी कैटेगरी में जो हमारे शासन द्वारा चलाई जा रही है जितनी भी सुविधाएं चलाई जा रही है उसके अंतर्गत यदि ये आते हैं तो उसके अंतर्गत भी को सहायता राशि दी जाएगी। और इसके अलावा पॉटरी एसोसिएशन वालों ने भी डिक्लेयर किया है, अभी घोषणा की है कि वो प्रत्येक मृतक को 5-5 लाख रुपए अपनी तरफ से देंगे, ये उनके द्वारा पॉटरी एसोसिएशन वालों। मैम, कारण कुछ पता चल सका छत कैसे गिरी? इसके लिए जांच कमेटी बैठा दी गई है जिले से, अभी एडीएम साहब के द्वारा अवगत कराया गया है, जब वो जांच कमेटी अपनी जो रिपोर्ट देगी उसी से पता चल पाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थी उपजिलाधिकारी खुर्जा लवी त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन को 3 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी, जिनमें से 2 को बाहर निकाल लिया गया है, एक महिला की मौत हो गई है, एक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि यहाँ जो टीम है वो राहत कार्य में जुटी है। और अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि जांच करके जो राहत राशि है वो भी मृतक के परिवार को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है। जिलाधिकारी भी आए थे, उन्होंने भी ये बताया था कि इसमें अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल राहत कार्य ही किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, जो आसपास क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ अधिकतम संख्या में लेबर रहती है, और बड़ी घटना है जिसकी वजह से यहाँ ये लोग एकत्रित हो रहे हैं। किसी आदेश का इंतज़ार कर रही है NDRF की टीम, और मैं दिखा दूं जिस तरह जितने भी इनके पास उपकरण हैं,
वो यहाँ अधिकारी भी मौजूद हैं, उपकरण निकाल लिए गए हैं। जिस तरह के निर्देश इन्हें मिलते रहेंगे उसी के अनुसार एनडीआरएफ की जो टीम है वो राहत कार्य के लिए आगे अपना कदम उठाएगी। फिलहाल अधिकारी अंदर हैं, मौके पर हैं, रणनीति बना रहे हैं। और ये टीम गाज़ियाबाद से आई है, सूचना के बाद इस टीम को बुलाया गया। हालांकि पहले स्थानीय लोगों ने ये कोशिश की थी कि जो अंदर दबे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके, जब ये हाथ से निकल गया, उन्हें लगा कि ये अकेले या मजदूर का काम नहीं है, उसके बाद एनडीआरएफ टीम की मदद ली गई, जिसके बाद भारी संख्या में एनडीआरएफ की टीम पहुंची। सीधी तस्वीरें आपको खुर्जा से दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, और यहाँ जितनी दूर आप जाएंगे उतनी ही भीड़ आपको नज़र आएगी। तमाम मीडिया, तमाम पुलिसकर्मी, तमाम प्रशासन यहाँ मौजूद है। ये देख लीजिए एक इंडस्ट्रियल, ये एड्रेस आपको इस पर मिल जाएगा, ये इंडस्ट्रियल एरिया जीटी रोड खुर्जा, ये कृष्णा पॉटरी के बराबर में है, महाशक्ति पॉटरी, जहाँ इंसुलेटर का कार्य किया जा रहा था, यहाँ ये हादसा हुआ है। परिवार जो है वो सब्र खो बैठे हैं, और कहीं ना कहीं अभी हमने उनसे बात की तो कहीं ना कहीं उनमें रोष नज़र आया, और कारण यही है कि करीब 4.5 घंटे होने को आ रहे हैं और अभी तक जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर नहीं निकाला गया है। तस्वीरें यूपी के जनपद बुलंदशहर की खुर्जा पॉटरी नगरी से आपको दिखा रहे हैं। पॉटरी नगरी के नाम से जाना जाता है, ये खुर्जा का सेंटर पॉटरी एरिया है, और यहाँ की पॉटरी में जो क्रॉकरी बनती है वो विख्यात है, देश विदेशों में सप्लाई की जाती है, बड़ी मात्रा में यहाँ काम किया जाता है। इंसुलेटर बनाने की ये पॉटरी थी, ये इंसुलेटर बिजली की लाइन में, रेलवे लाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ से इंसुलेटर भी भारी मात्रा में सप्लाई किए जाते हैं, उसी के लिए यहाँ लेबर काम कर रही थी। सब जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ये पॉटरी एरिया है, पॉटरी ये है यहाँ पर, जहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन, इंसुलेटर, इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है। और भी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे हम, टाइम 24 से जुड़े रहिएगा। Time 24 News, just past sach dikhane ka.